दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पैर T20 मुकाबले में टीम इंडिया गेंदबाजों ने कर भी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पैर T20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या है आज के मैच का पूरा हाईलाइट, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होता है। दोस्तों, यहां मुकाबला 8 बजे फिर शुरू हुआ था और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आज वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कप्तान रोहित शर्मा ने आज 44 गेंदों में 67 रनों की शानदार बैटिंग पारी खेली, इसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी 16 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो वहीं दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर 4 गेंद खेलकर 0 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत ने 12 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो वहीं दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या भी 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो ऐसे में दोस्तों रविंद्र जडेजा भी 16 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो वहीं दोस्तों फिर इसके बाद आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने शानदार बेहतरीन नाबाद पारी खेली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने 19 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 190 रन बना पाई। और ऐसे में फिर वही दोस्तों इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। तो ऐसे में वही दोस्तों काइल मार्स 15 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों जैसन होल्डर भी 0 रन पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। तो ऐसे में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। और ऐसे में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम में 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 122 रन ही बना पाई। और ऐसे में भारतीय टीम यह मुकाबला जीत गई। तो वही दोस्तों बात करें भारतीय टीम के गेंदबाजों की, तो दोस्तों आज एक बार फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन पेश करा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज तो अजीत सिंह ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल करे। तो वहीं दोस्तों रविचंद्र अश्विन ने भी 2 विकेट अपने नाम करे। तो वहीं रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट चटकाए। तो ऐसे में दोस्तों वहीं भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा ने भी 1-1 विकेट अपने खाते में डाला। और ऐसे में भारतीय टीम दोस्तों यह मुकाबला 68 रनों के बड़े अंतर पर जीत गई। तो दोस्तों आप ही कह रहा है भारतीय टीम की जीत के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।